ये कहानी शुरू होती है शहर के बाहर बने कॉटेज नुमा घर से, जो घनी आबादी वाले इलाके से थोड़ी दूरी पे बना हुआ है, जहां रहती है सोनिया, जिसे अपनी ही दुनिया में खोए रहने में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक दिन जब वो वॉशरूम में नहा रही थी, तो उसके वॉशरूम के दरवाजे पे कोई नॉक करता है, जिसे सोनिया थोड़ा हैरान हो जाती है कि कौन होगा। तभी एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है और एक महिला सोनिया को दीदी कह के पुकारती है और बताती है कि दीदी, हाँ, वो आपकी कोई दोस्त मिलने आई है, कह रही थी कि बात हुई थी फोन पे। हाँ, बिठाओ उन्हें, मैं भी आती हूँ। ठीक है। जब कपड़े पहनकर सोनिया बाहर हॉल में खड़ी अपने पुरानी दोस्त को देखती है, जो सोनिया को देखकर बेहद खुश हो जाती है, गीतू बोलती है। Oh my God, Sonia, I'm so happy to see you. बड़े 12 साल बाद। गीतू, I'm so glad to meet you, यार। मुझे तो लगा I'll never see you again. Oh, hey, that's Anish. He's my husband. Hi, Anish. Pleasure meeting you, यार। Hi, Sonia. Likewise. In fact, गीतिका की तुमसे जब से बात हुई है, पूरे रास्ते वो तुम दोनों के स्कूल के किस्से सुनाती आ रही है मुझे। Obviously, यार। स्कूल में हम दोनों best friends जो थे। फिर मैडम US माइग्रेट कर गई एंड हेलो, लेकिन कंप्लीटली आउट ऑफ टच तो तू हो गई ना। कितना ढूंढा तुझे यार, तो कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, नॉट इवन ऑन एनी सोशल मीडिया। वो तो मुंबई में एक्सीडेंटली तेरी आंटी मिल गई, जो अब खुद कहीं ट्रैवल नहीं कर पाती, उनसे पता चला कि तू दुनिया से दूर यहाँ अकेली रहती है। थैंक गॉड आंटी ने जो तेरा नंबर दिया वो तूने बदला नहीं। शी वाज सेइंग कि ऑलमोस्ट 3 साल से तू उन्हें भी नहीं मिली। छोड़ ना यार, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। हम तो मिल गए ना। हाँ, सोनिया कहती है अपनी नौकरानी से कि नीता, आज आप घर चले जाना, मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर। पर मैडम, वो रात को, पर रात को ये लोग तो यहीं रुकेंगे ना, तुम सुबह जल्दी आ जाना। ओके, जाओ। जवाब में नौकरानी थोड़ा सा सहम जाती है और अनमने ढंग से बोलती है, अपना ख्याल रखना, जिससे माहौल में थोड़ा सन्नाटा छा जाता है, जिसे गीतू की आवाज तोड़ती है। ये तेरी मेट ने ऐसा क्यों बोला? Everything okay? अरे all good यार, she's just being overcaring. तू सुना, how's life in US? And Anish, what do you do? बस यार, I became a student counselor और Anish is a psychiatrist. We met at a seminar and the rest is history. Anish के introduction के दौरान सोनिया उसे थोड़ा रहस्यमय तरीके से देखती है, मानो उसकी आंखें अनीश के भीतर कुछ तलाश कर रही, जिसे देखकर अनीश थोड़ा असहज महसूस करता है और सिचुएशन को संभालते हुए सोनिया कहती है, ओके गाइस, बातें तो होती रहेंगी, तुम लोग फ्रेश होकर कंफर्टेबल हो जाओ, कम, आई विल शो यू योर रूम। सोनिया इन दोनों को उनका रूम दिखाने लेकर जाती है और इस पूरे वक्त वो बीच बीच में छुप के अनीश को देखती है, जिसे गीतू नोटिस नहीं कर पाती, पर अनीश एक मिरर के रिफ्लेक्शन में सोनिया की नजरों को देख लेता है, जो उसे बहुत करीब से रीड करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए अनीश उस बात को तूल ना देते हुए गीतू और सोनिया के साथ बाहर लॉन में पड़े झूले की तरफ चला जाता है, जहां गर्मा गर्म चाय इन तीनों का इंतजार कर रही होती है और शुरू हो जाती है गीतू और सोनिया की स्कूल और कॉलेज से जुड़ी हुई बातें, जिन्हें याद करके ये दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। I can't believe. याद है? हाँ? वो केमिस्ट्री लैब में तूने अमित के केमिकल सॉल्यूशन में वो तुझी टैबलेट डाल दिया था, बेचारे के पूरे एक्सपेरिमेंट की लग गई थी। One hell of a brat, I tell you. Listen, he deserved it, yeah. And you know what? कितना ओवर स्मार्ट समझता था अपने आप को। Can't tell you. इस हंसने हंसाने, पुरानी नई बातें, यादें साझा करते करते वक्त बड़ी तेजी से गुजर जाता है। बातें करते करते अचानक से सोनिया एकदम से खामोश हो जाती है और आसमान की तरफ मायूसी भरी निगाहों से देखने लग जाती है, जैसे गीतू तो नहीं मगर अनीश जरूर नोटिस कर लेता है। वो लगातार सोनिया को देखकर उसकी तेज हो चुकी सांसें
उसके अंदर बढ़ती बेचैनी को भांप जाता है और जब उसे रहा नहीं जाता तो वो पूछ ही लेता है। सोनिया, are you okay? Yeah, I'm fine. Just that, you know, रात होते ही मुझे हल्की सी घबराहट होने लगती है। अब तू इस तरह सबसे दूर आकर अकेली रहेगी तो घबराहट तो होगी ही ना। But no worries, आज रात तू और मैं एक ही कमरे में सो जाते हैं। Just like old times, सारी रात गप्पे लड़ाएंगे। Anish will manage. No यार, it's not possible. मैं अपने कमरे के अलावा कहीं नहीं सो सकती। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं तेरे कमरे में सो जाऊंगी। नहीं, I sleep alone. मैं किसी के साथ नहीं सो सकती। तो ऐसा बोलना कि इतने साल अकेले सोते सोते तू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, खुद खुशी की आदत लगी है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। It's just that I have sleepwalking issues and अरे यार, I remember, ये प्रॉब्लम तुझे पहले भी थी। याद है अपनी वो स्कूल कैंपिंग ट्रिप जब तू रात में नींद में चल के मेनन सर के टेंट में घुस गई थी? You were so scared, I tell you. हाँ, पर हाल अब पहले से ज्यादा सीरियस हो गया है, इसलिए मैं अब और क्या सीरियस हो सकता है? Don't tell me, तू अब नींद में दौड़ने भी लगी है। It's not funny, Geetu. अपनी सीट से उठकर सोनिया कुछ कदम आगे बढ़कर एक तरफ खड़ी हो जाती है और उसके इस व्यवहार से गीतू हैरान होते हुए उसकी तरफ देखती है। अनिश हालांकि किसी और ही सोच में डूबा हुआ नजर आता है। अपनी जगह से पलटकर गीतू को यूं परेशान देखकर सोनिया बोलती है, तुम जाना चाहती हो ना, आओ मैं दिखाती हूं तुम्हें। उसके बाद वो तीनों सोनिया के कमरे की तरफ जाते हैं जहां रखी हुई चीजों को देखकर गीतू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अनिश भी शॉक्ड सा होकर वहां पड़ी मोटी लोहे की जंजीर को देखता रह जाता है, जिसका एक सिरा सोनिया के बिस्तर पे तो दूसरा सिरा दीवार में चिना हुआ होता है और इस तरह से करीब चार मोटी मोटी लोहे की भारी भरकम चेन्स बिस्तर के हर पाए के आसपास रखी दिखाई देती हैं और नजदीक की दीवारों के ऊपर काफी गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। मानो किसी ने बड़ी ताकत के साथ इन चेन्स को दीवारों से उखाड़ फेंकने की कोशिश की हो। बेड भी काफी मजबूत लोहे के सरियों से बनाया हुआ नजर आ रहा है, जिसे अनिश बड़े गौर से देख रहा है। सब क्या है सोनिया? गीतू और अनिश के मन में उठ रहे सवालों का जवाब सोनिया अपनी कप कपाती आवाज में देती है। रोज रात को नीता मुझे इस बिस्तर से बांधकर चाबी अपने पास लेकर सोती है, मुझे खोल देती है। गीतू और अनिश उसी दिशा में मुड़ते हैं जिस तरफ इशारा करती है सोनिया। बट सोनिया, तुम इस तरह पूरी रात बंधे हुए? ये करना मेरे लिए बहुत जरूरी है अनिश, क्योंकि अब मैं नींद में खुद को या किसी और को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हूँ। रात होते ही मेरे अंदर एक शैतान जाग उठता है जिसे पता नहीं क्यों खून बहुत पसंद है, वो चाहे मेरा हो या किसी और का। वो तस्वीर देख रहे हो? वो देखते हैं कि सामने वाले दीवार पे 6 से 7 तस्वीरें लगी हुई हैं, जिनमें सोनिया एक क्यूट से दिखने वाले पपी के साथ दिखाई दे रही है। That's Rocky. I loved him so much. एक दिन मैं रात को अपने कमरे में सोई और सुबह जब आग खुली तो मैं गार्डन में थी। रॉकी का सिर मेरी गोद में था और मेरे हाथ में चाकू थी और रॉकी का गला कटा हुआ था और उसका सारा खून मेरे बॉडी पे। वक्त बीतता जाता है और रात हो जाती है, जहां डिनर टेबल पे बैठे इन तीनों के चेहरों के भाव इनकी अलग अलग मनह स्थिति दर्शा रहे हैं। अपनी सोच को शब्दों का स्वरूप देते हुए गीतू बोलती है, तुम्हें
किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए थी सोनिया। कईयों से मिले यार, पर सबने एक ही बात कही कि मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन में रहना पड़ेगा। पर मुझे किसी पागलखाने में जानवरों की तरह रहना गवारा नहीं है। आफ्टर ऑल आई एम सो नॉर्मल इन द डे, इसलिए मैंने खुद को दुनिया से काट लिया। आई जस्ट कैन नॉट को एग्जिस्ट विद पीपल एनी मोर। बट सोनिया, आई होप यू डू अंडरस्टैंड, तुम्हारी सिचुएशन बहुत डेंजरस है। इफ यू वांट, मैं तुम्हारा इलाज कर। बात करते करते ये तीनों बाहर सड़क पे निकल जाते हैं, जहां तीनों को ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे इस हालत से, इस मुश्किल से निकला जाए। सोनिया कभी गीतू को तो कभी अनीश को देखती है, जो गहरी परेशान कर देने वाली सोच में डूबे हुए दिखाई देते हैं। पर माहौल को हल्का करने और टॉपिक बदलने के लिए सोनिया बोलती है, गाइस तुम लोग कहां मेरी प्रॉब्लम्स में फंस गए यार, ट्रस्ट मी आई विल बी फाइन। और अब तो आदत सी हो गई है। सोनिया को अब नींद आने लगी है, पर वो किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि उसे नींद ना आ जाए, क्योंकि उसके सोने पे उसके दोस्त परेशान ना हो जाए और कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी उधेड़बुन में वो लोग वॉक करते करते सोनिया के बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। माहौल में इतना सन्नाटा है कि इनके पैरों के कदम चाप की आवाजें इनके कान में बड़ी क्लैरिटी के साथ सुनाई दे रही है। पहले से ही डरा देने वाली इस खामोशी में गीदड़ और सियार के रोने की आवाजें माहौल को और भयावह बना देती हैं। और तब तक सोनिया की आंखें नींद के कारण बंद होने लग जाती हैं। बाहर अचानक से बहुत सारे कुत्तों के भौंकने का शोर सुनाई देता है, जिससे अजीब कंफ्यूज स्टेट में खड़ी गीतू हरकत में आते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई पेड़ियों से एक एक करके सोनिया के हाथ और पैरों को बांधना शुरू कर देती है। मगर ऐसा करते हुए उसे अंदर से असहनीय पीड़ा, असहनीय दुख और असहनीय वेदना का आभास हो रहा है। उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिर रहे हैं। उधर बाहर एक कोने में खड़ा अनीश अपनी किसी कैलकुलेशन में खोया हुआ है। I'll be fine. चल अब जाए यहाँ से, मुझे सोने दे। सुबह मिलते हैं। You guys enjoy. सोनिया के नजदीक जाके पहले उसके गाल, उसके हाथ और उसकी आंखों को प्यार से चूमने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए गीतू सोनिया के रूम का दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकलती है। और उन चाबियों को बड़े भारी मन से देखने लगती है। उसे देखकर एक कोने में खड़ा हुआ अनीश बोलता है, Did you cough? जवाब में बेहद दुखी मन से गीतू अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर दोनों वहीं पड़े झूले पर बैठ जाते हैं, जहां काफी टेंशन भरे माहौल में अनीश बोलता है, It's a serious case of advanced SPD. Schizoid personality disorder. She's living in a world of hallucinations. अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो she'll be in a big trouble. But how is this even possible? Kitika, medical science बहुत advanced हो चुकी है, but human brain is still a mystery. कोई पूरी तरह solve नहीं कर पाया. We just keep trying and hope for a breakthrough. Please Anish, हम सोनिया को अपने साथ अमेरिका ले जा सकते हैं? Please promise me तुम उसे ठीक कर दोगे। Of course, Kitika, I'll try my best. Her case is already a challenge for me. You just don't worry. She'll be absolutely all right. Okay? Anyways, now it's too late. You should go and sleep, हाँ? हम सोनिया को कल बता देंगे। अनीश की बात सुनके गीतिका यानी गीतू सोने चली जाती है। अकेले होकर उसे तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, जिनसे वो सोनिया की बेहतरी को लेकर काफी कंसर्न्ड दिखाई दे रही है।
रात होते ही मुझे हल्की सी घबराहट होने लगती है. Just that I have sleepwalking issues. ये सब क्या है सोनिया? रोज रात को नीता मुझे इस बिस्तर से बांधकर चाबी अपने पास लेकर सोती है. सुबह आकर मुझे खोल देती है. रात होते ही मेरे अंदर एक शैतान जाग उठता है जिसे पता नहीं क्यों खून बहुत पसंद है. भाई मुझे किसी पागल खाने में जानवरों की तरह रहना गवारा नहीं है. After all, I'm so normal in the day. बिस्तर पे कुछ देर करवटें लेने के बाद जब उसे नींद नहीं आती है तो वो अनीश को बुलाती है जो अंदर आकर उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए उसके माथे को चूमता है जिससे गीतिका उसकी तरफ सुकून भरी नजरों से देखती है. उसे फर्दर कंफर्ट करने की कोशिश में अनीश उसे किस करने लगता है और धीरे धीरे गीतिका सिमट के उसकी बाहों में आ जाती है और कुछ अंतरंग पलों में खोए हुए वो सोनिया को लगभग भूल सा जाती है. जिस तरह वो अनीश के साथ हम बिस्तर होती है वो अनीश को कुछ नया सा लगता है जैसे गीतिका के अंदर कोई और ही समा गया हो. एक दूसरे में खोए हुए अनीश और गीतिका आलिंगनबद्ध हो जाते हैं और एक आंसू गीतिका की आंख से मोती की तरह उसके गाल पे लुढ़क जाता है और वो गहरी सांस लेते हुए चेहरे पे सुकून भरी मुस्कान लिए आंखें बंद करते हुए अनीश को कसके पकड़कर सो जाती है. अनीश ध्यान मग्न होके बस उसकी तरफ देखता रहता है. कभी उसके गालों को छूकर उससे प्यार जताता है तो कभी उसके बालों को सहलाता है कि तभी एक जोर की आवाज आती है किसी चीज के गिरने की, चीजों की उठा पटक की और एक चीख सुनाई देती है जिससे अनीश तुरंत गीतिका के पास से उठकर सोनिया के कमरे की तरफ जाता है और हैरान रह जाता है ये देखकर कि सोनिया सोई हुई है मगर उसकी कलाइयों से खून रिस रहा है. तो वो सोनिया को जंजीर की कैद से आजाद कर देता है ये सोचते हुए कि सोनिया को उसकी मदद की जरूरत है और चाहे कुछ भी हो उसे सोनिया को क्लोजली ऑब्जर्व करके उसका केस समझना होगा. मन में इस तरह के भाव लिए अनीश वहीं ड्रेसिंग टेबल के पीछे जाके छिप जाता है और सोनिया को बड़े गौर से माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है. मगर जब काफी देर तक कोई हरकत कोई मूवमेंट नहीं होता तो धीरे धीरे उसे भी नींद आने लगती है और तकरीबन 15 मिनट के बाद जैसे ही घड़ी में रात का 1 बजता है सोनिया बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है. और उस रूम से एग्जिट होकर किचन की तरफ चली जाती है. तभी अनीश की आंख खुलती है वो सोनिया को उसके बिस्तर पे न पाकर परेशान हो जाता है. और उसे ढूंढते हुए जैसे ही वो किचन की तरफ जाता है तो वो देखता है कि सोनिया ने अपने हाथों में एक लंबा सा नुकीला चाकू पकड़ा हुआ है और वो उस चाकू को अपनी नसें काटने के लिए धीरे धीरे अपने हाथ के पास लेकर आ रही है. जिससे पैनिक होते हुए अनीश भागकर सोनिया को रोकने की कोशिश करता है मगर वो नोटिस करता है कि सोनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है और इसी कश्मकश में सोनिया के हाथ 3-4 बार हवा में चलते हैं और अनीश की चीख से माहौल गूंज जाता है.
जिससे गीतिका एक झटके से अपने बिस्तर से उठकर अनीश को ढूंढते हुए किचन की तरफ भागते हुए आती है और वहां का मंजर देखकर हैरान हो जाती है। वहीं एक साइड में अनीश पड़ा हुआ है जिसका जिस्म कई जगह से कट गया है और उसके हर घाव से खून बह रहा है। अनीश, 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 wake up, अनीश, get up, अनीश, 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 get up, wake up, अनीश, get up, please, अनीश, अनीश। चीखती, रोती, बिलखती, चिल्लाती हुई गीतिका जैसे ही सर ऊपर उठाती है तो देखती है खून से सना चाकू हाथ में लिए सोनिया वहां खड़ी है। और माहौल एक बार फिर गूंज जाता है गीतिका की चीख से और अब धीरे धीरे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगती है। रात का घना अंधेरा कम होने लगता है और फिर सुबह होती है। दरवाजे के खुलने की आवाज के साथ इस घर की नौकरानी नीता अंदर दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद करके सोनिया के कमरे की तरफ जाती है जहां सोनिया के रोने की आवाजें आ रही होती हैं। तो वो आगे बढ़ के देखती है जहां टेबल के नीचे सोनिया गीतिका और अनीश की लाशों के साथ खून से लथपथ हालत में दीवार से सटकर रो रही होती है। I'm sorry, Geetu. मैंने कहा था ना मुझे सुबह तक मत खोलना। तुम यहाँ आए क्यों? मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। दीदी आप जाओ, मैं संभालती हूँ। अपना काम निपटाकर नीता दरवाजे से होते हुए सोनिया के पास आती है जो लगातार रो रही है। दीदी वो दोनों को चादर में लपेट लिए, सब साफ कर दिया। सोनिया नोटों की गड्डी को जबरदस्ती पकड़ा देती है नीता के हाथ में। ये नहीं चाहिए, मैं जानती आपने जानबूझ के नहीं किए। मैं जानती हूँ नीता, लेकिन हर खामोशी की एक कीमत होती है। इसे रख लो आप। और भरे मन से वहां से चली जाती है और सोनिया के हाथ से दिए गए नोटों की गड्डी को कुछ देर घूरने के बाद नीता उन नोटों के नशे के खुमार में खोते हुए एक तिरछी स्माइल के साथ जाती हुई सोनिया को देखती है और सर हिलाती है। फिर लाशों को इकट्ठा करके एक एक टुकड़ा करते हुए बाहर लोन के अलग अलग कोनों में किए गए गड्ढों में दबा देती है। उधर सोनिया नहा के बाहर आती है और यहां दरवाजे की घंटी बजती है और एक आवाज आती है, क्या हम लोग यहां रुक सकते हैं? दरअसल हमारी कार खराब हो गई है। नीता उन्हें पलट कर देखती है। ये कुछ अनजान नए चेहरे हैं जिन्हें किसी ना किसी किस्म की तकलीफ है और ये इस रात को इस घर में गुजारना चाहते हैं। उनकी बात सुनने के साथ एक तिरछी सी स्माइल सोनिया की नौकरानी के चेहरे पर खिल जाती है और हमारी कहानी यहीं खत्म होती है।